BSNL कर देगा जियो एयरटेल की छुट्टी। रातों रात लोग BSNL में हो रहे हैं शिफ्ट। अब BSNL पहले की तरह सुस्त और बेकार नहीं बल्कि हाई स्पीड देने वाला नेटवर्क बन रहा है, क्योंकि अब BSNL में हो चुकी है टाटा ग्रुप की एंट्री, जो BSNL का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगी। जिस BSNL को लोग गालियां देते थे, आज इंटरनेट पर उसी BSNL के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इसे अपनाने को बेताब है। तो क्या है असली सच और कैसे BSNL रातों रात देश की पहली पसंद बन रहा है, आज हम सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। सिर्फ 249 के रिचार्ज पर 45 दिनों की अनलिमिटेड कॉल्स और डाटा की वैलिडिटी, 1515 के रिचार्ज पर पूरे साल की वैलिडिटी। दोस्तों, हम यहां पर मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो आपको BSNL की स्कीम बता रहे हैं, जो आज के टाइम पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, इस बात से हम इनकार नहीं करते कि एक वक्त पहले इस तरह के सस्ते रिचार्ज करवा के जियो ने देश भर में इंटरनेट का विस्तार किया, लोगों को 4G नेटवर्क से कनेक्ट किया और देश को डिजिटलाइज किया। लेकिन इतने सालों से जियो ने जो कुछ किया, अब जियो उसकी भरपाई हमसे करने के लिए तैयार हो गया है। जहां वो एक ही बार में अपना 3 गुना पैसा वसूल रहा है, जिसकी वजह से जनता नाराज भी है कि आखिर इतनी अचानक से जियो इतना महंगा कैसे हो सकता है। और जब जियो महंगा है तो जाहिर सी बात है कि एयरटेल भी मौके पर चौका मारते हुए अपना दाम बढ़ा लेगा। पर दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन ये नहीं जानते कि ये मौका पैसे कमाने का नहीं बल्कि कस्टमर बेस बढ़ाने का है, क्योंकि जनता नाराज है। जनता बौखलाई हुई है कि बढ़ती महंगाई में इतना महंगा फोन बिल भला कैसे भरा जाए। ऐसे में जब BSNL के इतने शानदार प्लान सामने आते हैं तो लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चला जाता है। ऊपर से BSNL ने जो रातों रात अपने हजारों टावर देश भर में लगाए हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। खराब सर्विस और अपने स्लो नेटवर्क की वजह से बदनाम BSNL अब अपने आप को सुधार चुका है। आज से महीने भर पहले भी कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि BSNL रिवाइव हो सकता है, लेकिन BSNL में जो टाटा ग्रुप की एंट्री हुई और दूसरी कंपनियों ने अपना दाम बढ़ा लिया, इसी मौके ने BSNL के अंदर एक नई जान फूंक दी। दोस्तों, जिस 249 के प्राइस पर जियो मात्र 28 दिन की वैलिडिटी दे रहा है, इस प्राइस पर BSNL पूरे 45 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर से BSNL के जो धड़ाधड़ टावर देश भर में लग रहे हैं, वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि BSNL की 4G स्पीड इन बड़ी बड़ी कंपनियों के 5G को भी पछाड़ देगी। हालांकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि BSNL ने टेक्नोलॉजी को बहुत धीरे धीरे एक्वायर किया है। जब पूरे देश में 3G टेक्नोलॉजी चल रही थी, तब भी BSNL 2G पर अटका हुआ था। आज जब 5G का जमाना है, तो BSNL अभी भी 4G पर अटका हुआ है। ऐसे में भला जनता BSNL पर भरोसा करे तो करे कैसे और क्या? कभी आपने BSNL के कर्मचारियों का रवैया देखा है, जो कस्टमर्स से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो फोन उठाकर कस्टमर पर एहसान कर रहे हैं? इन सब के बावजूद BSNL ने एक चीज नहीं छोड़ी, वो थी गांव देहात तक अपना नेटवर्क खड़ा करना। जी हाँ, BSNL जब आया था तो उसका एक ही मोटिव था कि देश के ग्रामीण इलाकों तक कैसे अपनी सर्विस पहुंचाई जाए, कैसे देश के गांव देहातों के लोगों को एक बेहतर मोबाइल फोन नेटवर्क दिया जाए। और अपने इस प्रयास में BSNL पूरी तरह से सफल रहा। आज भी आप अगर जियो एयरटेल या वोडाफोन यूजर है तो शहरों में आपका इंटरनेट और नेटवर्क बिल्कुल चकाचक चलेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ग्रामीण इलाके में पहुंचेंगे, नेटवर्क ऐसे गुल हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। और ये समस्या आज भी है। जी हाँ, 5G आ जाने के बाद भी गांव देहात में इंटरनेट नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनका मकसद गांव देहात के लोगों तक पहुंचना नहीं था। इन्हें पता था कि पैसा शहरों में है, शहर के लोग ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई गांव में रहने वाला किसान जिसका पूरा दिन खेती बाड़ी करने में निकल जाता है, वो भला महंगा डाटा पैक करवा कर दिन भर नेटफ्लिक्स तो चलाएगा नहीं। उसे तो बस थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट की जरूरत है और अपने सगे संबंधियों की हाल खबर लेने के लिए फोन करना होता है। इसीलिए जियो एयरटेल जैसी कंपनियों ने देश के ग्रामीण इलाकों पर अपना फोकस ज्यादा नहीं बनाया,
बल्कि उन्होंने तो शहर के लोगों को अपनी पैसा कमाने वाली मशीन बनाया और हर रोज 1 या 2 GB इंटरनेट सस्ते में देने का वादा करके अब उसी का दाम बढ़ा दिया। इस पूरी सिचुएशन में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं, तो कुछ का ये कहना है कि अंबानी जी जियो का दाम बढ़ाकर अपने बेटे की शादी का खर्चा वसूल कर रहे हैं। जियो एयरटेल की धोखाधड़ी को देखते हुए लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इसलिए BSNL ने सोचा लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए और अपने ऐसे ऐसे प्लान्स लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करे कि लोग BSNL पर शिफ्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो BSNL को तब मिलता है जब टाटा ग्रुप इनसे हाथ मिलाता है, जिसके साथ ही BSNL ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि पिछले कुछ समय में उन्होंने जितने टावर देश भर में लगाए हैं उससे दुगनी मात्रा में टावर वो और लगाएंगे, और ये कोई ऐसे वैसे टावर नहीं होंगे बल्कि इनके अंदर अपग्रेड करने की क्षमता होगी। यानी कि अभी भले ही ये जितने भी टावर BSNL इंस्टॉल कर रहा है वो 4G हो, लेकिन BSNL का वादा है कि अगले ही साल यानी कि 2025 तक उनका ये नेटवर्क 5G में अपग्रेड हो जाएगा। इसीलिए तो लोग हजारों लाखों की संख्या में हर रोज BSNL पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो इसका जो नेटवर्क है वह काफी ज्यादा फैला हुआ है, ऊपर से इसका जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड लोगों को ज्यादा मिलती है, और ये चीज अब जाकर जनता को समझ में आ रही है। वरना तो पहले कोई एक बोलता था कि BSNL खराब है तो उसके साथ साथ 10 और लोग BSNL को गालियां देना शुरू करते थे, भले ही उन्होंने BSNL इस्तेमाल किया हो या ना किया हो। और वैसे भी हमारे देश की जनता को हमेशा से ही आदत रही है कि हम सरकारी चीजों को कम महत्व देते हैं। हमें लगता है कि सरकारी चीज जितनी भी है वो सब सिर्फ नाम की है, फिर चाहे वह स्कूल कॉलेज हो या फिर टेलीकॉम नेटवर्क। पर अब चीज बदल रही है, जनता समझदार हो रही है, उसे समझ में आ रहा है कि सरकारी चीजें इसलिए सही नहीं होती क्योंकि हम उनकी तरफ दिलचस्प ही नहीं दिखाते हैं, हम उन्हें सही करवाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और एक ये भी कारण है कि लोग फिर से BSNL पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। और वैसे भी अभी भारत में पूरी तरह से 5G का दौर नहीं आया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 5G फोन ही नहीं है, लोग अपना पुराना 4G फोन चलाकर ही खुश है। ऐसे में अगर BSNL अपना 4G नेटवर्क बेहतर कर देता है और वो 5G नेटवर्क को पीछे छोड़ देता है तो BSNL देश में डाटा किंग बन जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों की छुट्टी हो जाएगी। आज BSNL टाटा ग्रुप की मदद से लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि टाटा के जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं वो BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेंगे, ताकि BSNL की जो सर्विस क्वालिटी है जिसे लेकर लोगों को हमेशा शिकायत रहती है वो इम्प्रूव हो सके। जहां पहले तो BSNL टाटा के एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद लेगा, बोला जा रहा है कि टाटा की मदद से BSNL का जो कवरेज है वह बढ़ जाएगा। जैसे में क्या आप BSNL में शिफ्ट होना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।